हाय एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आईब्रो थ्रेडिंग किस किस तरीके से करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कैसे मैंने धागे की कैंची बनाई हुई है, इस तरीके से आपको भी बना लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने सेंटर पार्ट की हेयर को रिमूव करना है। उसके बाद धीरे धीरे जिस जैसे मैं धागे को घुमा रही हूँ उस तरीके से ही आपको भी घुमाना है, और बिल्कुल हल्के हाथों से, स्किन पर दबाव ना आए, रगड़ ना आए, और आपको बनाना है। मैं साथ के साथ फोरहेड भी करते जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, इस तरीके से। तो फोरहेड करने के लिए भी बिल्कुल हल्के हाथों का ही यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी टाइट या धागे को स्किन पे रगड़ना नहीं है, बहुत आराम आराम से करना है। जितनी बातें बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो आराम आराम से, और एक एक जो धागे की कैंची बनी है उनके बीचों बीचों से आपको हेयर को सारे को रिमूव करना है। ओके, और बिल्कुल हल्के हाथों से करोगे तो बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा। अगर कस्टमर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा गुलाब जल लगा दीजिए, 5 मिनट वेट करके फिर से करेंगे तो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। इस तरीके से स्किन को अच्छे से खिंचवाना है ऊपर से। पहले सबसे पहले ऊपर से खिंचवा लीजिए, फिर नीचे के आईब्रो को, नीचे के आईज को हल्के हाथ से खींचना है। फिर इस तरीके से धागे को देखिए, इस तरीके से तिरछा लेके जाना है फ्रंट से, और हल्के हल्के हाथ से, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा हेयर रिमूव करते जाना है। ओके, इस तरीके से निकालते जाएंगे सारे हेयर को बिल्कुल आराम आराम से। देखिए धागे का जो किस तरीके से पकड़ा हुआ है, किस तरीके से आईब्रोज पे धागे को घुमा रही हूँ मैं, उस तरीके से आपको भी करना है। ओके, फ्रंट में भी पूरा अच्छे से एक एक हेयर को निकालना है और अच्छी सी शेप देनी है। शेप कैसे देते हैं उसकी डिटेल वीडियो है चैनल पे, कहाँ से उठाना है, कैसे घुमाना है, हर एक चीज़ की वीडियो चैनल पे है, सब कुछ डिटेल में। तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इस टाइट का आईब्रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम लोग फिर से सेंटर के पार्ट को क्लीन कर रहे हैं, और इस वाले आईब्रो में जो एक दो धागा बचा था पीछे जाके इस तरीके से अच्छे से रिमूव कर सकते हो। अब इसके बराबर में बिल्कुल इस तरीके से देखिए, यहाँ से नापा, दूसरी साइड से इस तरीके से आपको हेयर को रिमूव करना है। ओके, तो जहाँ से आपको इजी लगे हेयर को निकालना वहाँ से आप इस तरीके से धागे को घुमाएंगे और एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करेंगे। ऊपर की साइड में कभी भी बहुत ज़्यादा हेयर को नहीं निकालना है, शेप आपको हमेशा नीचे की तरफ से ही देना है। ऊपर से बस हल्की सी शेप दे दीजिए, बट ज़्यादा नीचे नहीं करना है, नहीं तो आपके जो आईब्रो का उठाव है वो ख़त्म हो जाएगा और आईब्रो स्ट्रेट बन जाएगी या फिर गोल बन जाएगी, जैसा शेप चाहिए वैसा नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से मैंने किया है, अब दूसरी साइड भी इस तरीके से हल्के 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 हाथों के साथ घुमाते जाऊंगे धागे को, और धीरे धीरे हेयर को रिमूव करेंगे। तो ऊपर का शेप देखा आपने किस तरीके से बना है, बिल्कुल परफेक्ट बताया मैंने, और बिल्कुल आराम आराम से। इसके साथ ही के साथ हम लोग फोरहेड भी क्लीन करेंगे, इनकी यहाँ की स्किन बहुत पतली थी। तो आपको भी इस तरीके से कस्टमर को बोलना है कि अपने बालों को और आईब्रोज को थोड़ा इस तरीके से पकड़ लो ताकि कट ना लगे। वैसे तो कट नहीं लगती, लेकिन बहुत कई केसेज में बहुत पतला हेयर स्किन हो जाता है तो कट लग जाता है। अब इस तरीके से खींचेंगे और इस तरीके से नीचे के हेयर को धीरे धीरे शेप में लाएंगे, आईब्रो को एक एक हेयर को रिमूव करते करते। ओके, देखिए, तो इस तरीके से टाइट बिल्कुल पकड़वाइएगा ताकि आपको हेयर निकालने में भी दिक्कत ना हो और शेप भी अच्छे से आ जाए। तो नोज के पास के सारे हेयर, एक्स्ट्रा हेयर जितने भी हैं उनको क्लीन कर लेंगे और धीरे धीरे आईब्रो को एक अच्छी सी शेप देंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारे हेयर को रिमूव करेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं उनको। तो बिल्कुल हल्के हाथों से धागे को खींचना है, बिल्कुल भी स्किन से रगड़ना नहीं है, क्योंकि रगड़ की वजह से भी कई बार हमारी स्किन कट जाती है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से बिल्कुल आराम आराम से करना है, उसकी डिटेल वीडियो बताऊंगी मैं,
और पहले भी बता रखी है, आज लाइव में बताऊंगी कि आपको धागे को कैसे पकड़ना है और किस तरीके से आपको स्किन पे धागे को चलाना है, ओके, ताकि कस्टमर को कट भी ना लगे और पेन भी बहुत कम होता है इस तरीके से अगर आप आईब्रो बनाते हो तो। तो जो इनका फाइनल लुक था वो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आईब्रो कंप्लीट हो गया और ये है आईब्रो का फाइनल लुक किस तरीके से आया है, ध्यान से देखिएगा। तो ये है आईब्रो का फाइनल लुक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, कैसी बनी है इनकी थ्रेडिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरे चैनल पे ज़रूर जाइए, उस पर भी मैं 10 से 12 बजे के बीच में दिन में लाइव आके सारी सिलाई से रिलेटेड